Assalamu alaikum. Welcome to Intellectual Math. Now in this video, we will learn class 10th New Mathematics in textbook and it's a chapter number 22, Basic Statistics, and it's a exercise 22.4. अब question number 1 हम इसका discuss करेंगे पहले. तो actually इस question number 1 में हमने क्या understand करना है? Properties of arithmetic mean. यहाँ पर हम पूरे हमारे क्वेश्चन नंबर के तमाम पार्ट्स जो हैं वो हमने अर्थमेटिक मीन की जो प्रॉपर्टीज हैं उन्हीं को हम अंडरस्टैंड करेंगे. तो अब यहाँ पर क्वेश्चन में हम जैसा कि देख रहे हैं कि कहा जा रहा है इफ़ डब्ल्यू इज इक्वल टू 148, 145, 160, इस तरह से हमको ये पूरा डब्ल्यू सेट दिया गया है जिसको हम कहेंगे डाटा सेट, क्योंकि हमें यहाँ पर ये ऑब्जर्वेशन सेट की फॉर्म में दी गई हैं, लिहाजा इसको हम कहते हैं डाटा सेट. और इसी तरह से हमको दूसरा सेट दिया गया है एक्स का, और फिर हमसे कह रहे हैं कि देन ए पार्ट में क्वेश्चन है कि शो दैट सम ऑफ ऑल डिविएशंस. पहले हम इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं व्हाट इज द डिविएशंस. डिविएशन जैसे पहले कि हमने एक्सरसाइज जो करी थी उसमें भी हमारा ये आई थी टर्म डिस्कस किया था हमने कि डिविएशन कहते हैं कि डिफरेंस ऑफ ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम अर्थमेटिक मीन. ठीक है, हमें यहाँ पर डाटा सेट में जो ऑब्जर्वेशंस दी गई हैं इसका अर्थमेटिक मीन से जो डिस्टेंस होता है या डिफरेंस होता है, ठीक है, वो क्या कहलाता है? डिविएशंस ऑफ डब्ल्यू अबाउट इट्स अर्थमेटिक मीन इज जीरो. ये एक प्रॉपर्टी है अर्थमेटिक मीन के बारे में. हमें प्रूव करना है कि जब हम इसका डिविएशन निकालेंगे तो उसका अर्थमेटिक मीन से जो डिफरेंस होगा वो क्या प्रूफ करना है जीरो के इक्वल होता है. अच्छा, तब इसके लिए हम यहाँ पर पहले तो क्वेश्चन में जैसा कि देख रहे हैं कि हमें जो डाटा सेट दिया गया है वो क्या है? अनग्रुप डाटा है. ठीक है ना, तो लिहाजा इसके अर्थमेटिक मीन का फार्मूला हम लेंगे जो हमने पढ़ा है अनग्रुप डाटा के लिए, वही यूज़ करेंगे कि समेशन ऑफ एक्स अपॉन एन, इसको यूज़ करना है. तो यहाँ पर हमने डब्ल्यू का मालूम करना है अर्थमेटिक मीन, लिहाजा हम इसको बताएंगे कि अर्थमेटिक मीन ऑफ डब्ल्यू. सही बताए थे हमने, बात मालूम है ये बार किसको शो करता है अर्थमेटिक मीन को, इज इक्वल टू. अब यहाँ पर समेशन ऑफ एक्स क्या मतलब है? जो हमें ऑब्जर्वेशंस दी गई हैं ऑल ऑफ दीस आर द एक्स, तो लिहाजा इनका हम कर लेंगे सम. तो 148 प्लस 145 प्लस 160 प्लस 157 प्लस 156 प्लस 160 प्लस 160 प्लस 165, तमाम वैल्यूज़ को हमने यहाँ पर क्या करा? सम के साथ सम का बताया, तो साइन हमने यहाँ पर प्लस लगाई और फिर इसको हम अब डिवाइड कर देंगे किससे, क्योंकि कहा जा रहा है अपॉन एन, एन इज़ द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हैं, लिहाजा इसको हम डिवाइड कर देंगे 8 से. अब जब हम इन तमाम वैल्यूज़ को प्लस करेंगे तो प्लस करने पर हमारे पास आता है 1251. इसको हम डिवाइड कर देंगे 8 से, तो 8 से डिवाइड करने पर हमें मिलेगा 156.375. यह आएगा आएगी वैल्यू अर्थमेटिक मीन ऑफ डब्ल्यू. ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर पहले तो इसका अर्थमेटिक मीन फाइंड कर लिया. अब हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है कि सम ऑफ ऑल डिविएशंस, हमने अब यहाँ पर क्या करना है इनके डिविएशंस का सम भी फाइंड करना है. तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमारे पास उसका एक तरह से फार्मूला क्या होता है डिविएशन के लिए, हम क्या कहते हैं कि समेशन ऑफ डी. ठीक है, डिविएशन को हम डी से शो करेंगे, इज इक्वल टू डब्ल्यू जो हमें डाटा सेट दिया गया है माइनस अर्थमेटिक मीन. ठीक है, ये हमें एक तरह से क्वेश्चन में अगर जो ये मैं बताऊं कि ये जो वर्डिंग लिखी हुई है तो इस वर्डिंग का मतलब क्या है, तो हमसे यहाँ पर ये कहा जा रहा है. अब हमें यह क्या प्रूफ करना है कि इक्वल टू
क्या आएगा, जीरो आएगा। हमने ये बात यहाँ पर एक तरह से प्रूफ करनी है। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू, यहाँ पर जो भी हमें W में दिया गया है डेटा सेट उनकी वैल्यूज को, तो फर्स्ट वैल्यू है 148, लिखेंगे हम 148 माइनस, ठीक है ये माइनस साइन है, इसे माइनस साइन लगाएंगे और इसका अर्थमेटिक मीन फाइंड कर लिया है जो कि है 156.375। इसको हम ब्रैकेट में कर देंगे, सही, कि हमने फर्स्ट वैल्यू का क्या निकाला है डिविएशन, प्लस साइन, सॉरी हाँ प्लस साइन लगाएंगे। प्लस साइन क्यों लगाएंगे, अब प्लस साइन हम इसलिए लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर ये क्या बताया हमने, समेशन, समेशन ऑफ, हमारा क्वेश्चन ये कह रहा है सम ऑफ ऑल डिविएशंस, इस सम की वजह से हम यहाँ पर प्लस साइन लगाएंगे। फिर उसके बाद हम सेकंड जो वैल्यू है वो है 145, लिखेंगे हम 145 माइनस, जब हमने अर्थमेटिक मीन फाइंड करा उसको इसमें से माइनस करेंगे तो 156.375। फिर थर्ड वैल्यू को लिखेंगे जो कि है 160 माइनस 156.375 प्लस नेक्स्ट वैल्यू 157 माइनस 156.375। इस तरह से तमाम वैल्यूज़ को हम लिखते जाएंगे। तो इस तरह हमने तमाम वैल्यूज़ को लिख लिया जो हमें डेटा सेट में दिए गए हैं, उन सब को हमने यहाँ पर अर्थमेटिक मीन में से माइनस करके एक्चुअली क्या फाइंड कर रहे हैं, हम फाइंड कर रहे हैं यहाँ पर डिविएशन, ठीक है। तो अब इसके बाद हम इन वैल्यूज़ को कर देंगे सब्ट्रैक्ट। तो सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आएगा, पहले हमें यहाँ पर दी गई है फर्स्ट वैल्यू 148, तो 148 माइनस करेंगे हम 156.375, तो ये इक्वल आएगा माइनस 8.375, क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पर ग्रेटर की साइन लगी, एम्फेसिस ग्रेटर है, लिहाजा यहाँ पर साइन आ गई इसके साथ माइनस की। इसी तरह से नेक्स्ट में भी हम देख रहे हैं यहाँ पर लिखा है 145 माइनस 156, तो ग्रेटर की साइन नेगेटिव है, अगेन माइनस साइन आएगी, और जब हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट करने पर आएगा 11.375 प्लस, अब यहाँ पर हमको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आता है 3.625 प्लस, इस तरह से भी सब्ट्रैक्ट करने पर 0.625। स्टूडेंट्स आप ये खुद भी इसको कैलकुलेट करके देख सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कोई ऐसी चीज़ नहीं जो कि मैं करके बताऊंगी कि कहाँ से माइनस करना है, तो आप माइनस कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि आपकी वैल्यूज़ यही आ रही हैं। और यहाँ पर भी हम देख रहे हैं हमारा 156 माइनस 156.375 है, ठीक है। तब इनको हम जब माइनस करेंगे तो माइनस करने पर हमें पता है ये ग्रेटर है, ऐसा साइन क्या आएगी, नेगेटिव की आएगी, ऐसा माइनस साइन लगाएंगे और फिर हम बताएंगे यहाँ पर 0.375 प्लस नेक्स्ट वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करने पर आएगा 3.625 प्लस 3.625 अगेन, क्योंकि 160 में से हमें माइनस करना है, टू वैल्यूज जो हैं वो 160 की हैं, इसलिए हमारे पास ये दोनों वैल्यूज सेम आई हैं। फिर आ जाएगा प्लस 8.625, हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये हमने यहाँ पर क्या करा कि सब्ट्रैक्ट हमने कर दिया, अब इनको हमने क्या कर लेंगे, आपस में प्लस माइनस कर लेंगे। अब हम इनको प्लस माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है हमने माइनस में बताया हुआ है माइनस 8.375, ठीक, तो लिहाजा हम लिखेंगे नेगेटिव साइन पहले प्रेस किया हमने, फिर 8.375 अगेन माइनस साइन, 11.375 प्लस 3.625 प्लस 0.625, अब माइनस की साइन है, माइनस 0.375
प्लस 3.625 प्लस 3.625 प्लस, हम देखें स्टूडेंट्स खुद ब खुद हम देख रहे हैं कि हमारी ये वैल्यू, अब ये इसको हम प्लस करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा क्या आ जाएगा, प्लस ये है 8.625 इक्वल टू ज़ीरो आ रहा है। और यही हमसे कहा गया है क्वेश्चन में प्रूव करने के लिए, शो करने के लिए यही कहा गया है। तो हम ये देख रहे हैं जब हम उसका सम ऑफ डिविजन निकालते हैं हमारे पास क्या आता है, ज़ीरो आता है, लिहाजा इसको हम लास्ट में लिख देंगे शोन। तो यहाँ बता देंगे हम कि समेशन ऑफ डिविजन इक्वल टू क्या आ गया, ज़ीरो। नाउ इन बी पार्ट शो दैट अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मोड फॉर एक्स। अब जो हमें यहाँ पर दूसरा डेटा सेट दिया गया है जिसके अंदर हम देख रहे हैं कि तमाम वैल्यूज़ क्या हैं, कांस्टेंट हैं, तो अब इसमें हमें क्या बताना है कि ये तमाम जो हमारा सेंट्रल टेंडेंसी है इन सब की वैल्यूज़ क्या आएंगी, वो इक्वल आएंगी सब, जब वो इक्वल आएंगी हमने ये बात प्रूफ करनी है। अब इस प्रॉपर्टी को हमने क्या करना है, प्रूफ करना है। अब कैसे प्रूफ करेंगे, पहले तो हमें यहाँ पर क्या मालूम करना है, अर्थमेटिक मीन, जैसा कि हम जानते हैं कि ये हमें यहाँ पर अनग्रुप डाटा दिया गया है, लिहाजा हम यहाँ पर फॉर्मूला जो अप्लाई करेंगे अनग्रुप डाटा का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कि समेशन ऑफ एक्स अपॉन एन। और फिर अब यहाँ पर हम वैल्यूज रख देंगे, तमाम वैल्यूज का हमने सम लेना है, तो इज इक्वल टू माइनस टू माइनस टू, प्लस करेंगे तो प्लस माइनस माइनस होता है, ठीक है, चलें इस तरह से आप लोग कन्फ्यूज ना हो, तो मैं यहाँ पर सम की वजह से प्लस साइन लगा दी, ठीक है। फिर सेकंड ऑब्जर्वेशन माइनस टू है, अगेन प्लस साइन क्योंकि हमें सम फाइंड करना है, फिर माइनस टू प्लस साइन, फोर्थ वैल्यू इज माइनस टू। हम देख रहे हैं कि हमें यहाँ पर डाटा सेट के अंदर फोर टाइम्स माइनस टू दिया गया है, लिहाजा मैंने उसको लिख दिया, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आर फोर, लिहाजा फोर से हम इसको डिवाइड कर देंगे। अब क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा माइनस टू प्लस माइनस माइनस टू प्लस माइनस माइनस टू प्लस माइनस माइनस टू अपॉन फोर, माइनस टू सबके सेम साइन है, लिहाजा सबको हम ऐड कर लेंगे, तो ऐड करने पर क्या हो जाएगा कि टू टू फोर, फोर टू सिक्स, और सिक्स टू प्लस करेंगे इन सबको क्योंकि सेम साइन है, तो आ जाएगा हमारे पास एट, माइनस एट अपॉन फोर, कैंसिलेशन कर देंगे, फोर वन ज़ा फोर, फोर टू ज़ा एट, यानी कि अर्थमेटिक मीन की वैल्यू क्या आई हमारे पास, माइनस टू। तो ये हमने अर्थमेटिक मीन फाइंड कर लिया। अब इसके बाद हम फाइंड क्या कर लेंगे, ज्योमेट्रिक मीन। अब ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है तो इसका फॉर्मूला होता है कि ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू अब ये हमें जो डाटा सेट दिया गया है तो हम देख रहे हैं कि इसके अंदर ऑब्जर्वेशन सिर्फ और सिर्फ फोर हैं, लिहाजा हम यहाँ पर इजीली इस फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हैं कि एक्स वन मल्टीप्लाई एक्स टू मल्टीप्लाई एक्स थ्री मल्टीप्लाई एक्स फोर। ये यूज़ ही उसी वक्त किया जाता है जब हमारे पास नंबर ऑब्जर्वेशन कम हों और छोटी वैल्यूज हों। इज इक्वल टू, अब हमें यहाँ पर वैल्यूज रख देंगे जो कि हमें दी गई हैं माइनस टू, लिहाजा माइनस टू मल्टीप्लाई माइनस टू मल्टीप्लाई माइनस टू मल्टीप्लाई माइनस टू और होल पावर में लिखेंगे हम वन अपॉन फोर। अब यहाँ पर माइनस टू हम देख रहे हैं फोर टाइम्स है, लिहाजा इसको हम लिख सकते हैं माइनस टू होल पावर फोर, और फिर हमें यहाँ पर पावर दी गई है वन अपॉन फोर। एक्सपोनेंट के लॉ के तहत पावर ऑफ पावर दोनों क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं, यानी हम देख सकते हैं इसको माइनस टू होल पावर फोर मल्टीप्लाई वन अपॉन फोर। अब ये दोनों फोर तो क्या हो जाएंगे, दोनों कैंसिल हो जाएंगे और क्या आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू माइनस टू,
तो इस तरह से ज्योमेट्रिक मीन इसकी वैल्यू भी क्या आ गई, -2। अब इसके बाद हम फाइंड करते हैं हार्मोनिक मीन। तो जैसे कि हम जानते हैं कि हार्मोनिक मीन फॉर अनग्रुप डाटा, इसके लिए हमारे पास फार्मूला जो होता है वो होता है कि n अपॉन समेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स। तमाम फार्मूला हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में पढ़े हैं, अच्छी तरह से हमें अब याद हो चुके हैं तमाम फार्मूलाज। अब यहाँ पर हम वैल्यूज रख देंगे। n इज, अच्छा अब यहाँ पर पहले हम क्या फाइंड कर लेंगे, समेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स, पहले इसको फाइंड कर लें तो फिर इजी रहेगा। अब यहाँ पर हमें x क्या है, -2 है, लिहाजा लिख देंगे हम -1/2। समेशन है पता है, समेशन की साइन बाद में क्या हो जाती है, माइनस में हो जाएगी, क्योंकि हमने यहाँ पर वैल्यूज जो दी गई हैं माइनस में दी गई हैं। लिहाजा लिखेंगे -1/2, -1/2, -1/2। तो ये क्या हो जाएगा, जब इसको डिवाइड करेंगे आ जाएगा -0.5, -0.5, -0.5, -0.5। सही, 1/2 का मतलब 0.5 होता है, ये बात हम जानते हैं। अब इन तमाम वैल्यूज़ को हम प्लस कर देंगे, 0.5 को 0.5 से प्लस करेंगे 1 हो जाएगा, फिर हम इसमें प्लस करेंगे तो 1.5, तो ये हो जाएगा 2, यानी कि -2। तो ये आ गया समेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स की वैल्यू। अब हम हार्मोनिक मीन में फॉर्मूले में रख देंगे, इज इक्वल टू n 4 है, ये हो जाएगा 4/-2। कैंसिलेशन कर देंगे, 2 1s are 2, 2 2s are 4, यानी के हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू -2। तो ये भी हम देख रहे हैं हार्मोनिक मीन की वैल्यू भी क्या आ गई, -2 आ गई। अच्छा अब इसके बाद हम फाइंड करेंगे मीडियन। अब मीडियन फाइंड करना है तो मीडियन के लिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, पहले तो यहाँ बता देंगे कि हम यहाँ पर काम जो कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं, फॉर मीडियन। फॉर मीडियन, ठीक है। तो मीडियन के लिए हमें यहाँ पर जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमें 4 दी गई हैं, 4 क्या है, 4 इज इवन, इवन नंबर है, लिहाजा जब भी इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो तो उसका मीडियन फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या फार्मूला होता है कि मीडियन इज इक्वल टू 1/2 n/2 th plus n/2 plus 1 th observation, ठीक। ये हम फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो इसके अंदर हम वैल्यूज रखते जाएंगे, पहले तो ये हो जाएगा 1/2 रिमेन एज इट इज, n इज 4 हियर, 4/2 th plus 4/2 plus 1 th observations, तो 1/2 multiply, cancellation कर देंगे तो ये हो जाएगा second, ये इधर से हमारे median क्या होता है, हमारी positional average होती है, हमें position बताती है, तो ये हमारा यहाँ पर आ जाएगा, लिख देंगे 2 प्लस, और ये हो जाएगा 2+1, सही, कैंसिलेशन हम करेंगे तो आ जाएगा 2, 2+1, 3 ऑब्जर्वेशन। तो इनकी हमें जो यहाँ पर डाटा में दिया गया, हमें डाटा में दिया गया है कि x इज इक्वल टू, और फिर हमें 4 टाइम्स दे दिए गए हैं -2, ये हमें डाटा सेट दिया गया है, मैं इसको लिख देती हूँ यहाँ पर ताकि मैं बता सकूँ, डिस्कस कर सकूँ। तो हम सेकेंड प्लेस पर हमें देखना है क्या लिखा हुआ है, -2 लिखा हुआ है, और थर्ड प्लेस पर भी क्या लिखा हुआ है, -2, रख देंगे हम इनके वैल्यूज यहाँ पर, तो ये क्या आ जाएगा, -2 और प्लस की साइन है, ठीक है प्लस साइन लगा देते हैं, और फिर क्या लिखा हुआ है, -2। अब ये भी -2, ये भी -2 है, लिहाजा क्या हो जाएगा कि 1/2 मल्टीप्लाई प्लस माइनस माइनस आ जाएगा -4।
फोर, कैंसिलेशन कर देंगे, टू वन ज़ा टू, टू टू ज़ा फोर। तो इस तरह से हमें मीडियन क्या मिला, मीडियन इज़ इक्वल टू माइनस टू, ये भी हमें माइनस टू आ गया। तो हम देख रहे हैं कि जो हमारे क्वेश्चन में स्टेटमेंट दिया गया है वैसा ही हमें तमाम वैल्यूज मिल रही हैं। अब इस बात हम मोड को डिस्कस कर लेते हैं। मोड तो बहुत इजी होता है, यहाँ पर अनग्रुप डाटा के लिए हमें मोड फाइंड करना है। तो मोड के लिए हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि हमारे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो क्या हैं, कॉन्स्टेंट हैं, सब सेम सेम है, सब सेम सेम है, तो मोड हमारा क्या बन जाएगा, वही नंबर हो जाएगा, क्योंकि मोड का मतलब यही होता है कि मोस्ट रिपीटेड वैल्यू। तो लिखेंगे हम यहाँ पर कि मोड इज इक्वल टू क्या आ गया वो, माइनस टू। तो इस तरह से तमाम हमारी ये वैल्यूज़ जो हमें यहाँ पर स्टेटमेंट में कही गई हैं उन सब की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस टू। तो हम लास्ट में लिख देंगे कि सैमसंग स्टेटमेंट दे देंगे जो हमारा क्वेश्चन में दिया गया है उसी को ही रिपीट कर देंगे। लिखेंगे हम यहाँ पर कि अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मोड, और ये सब किसके इक्वल आए हैं, माइनस टू के इक्वल आए हैं। सही, तो ये हमने इस तरह से इसको भी, इस प्रॉपर्टी को भी हमने प्रूफ कर दिया। नाउ इस सी पार्ट, अब सी पार्ट में कह रहे हैं कंप्यूट अर्थमेटिक मीन ऑफ वाई इज इक्वल टू 3x। हमने यहाँ पर कह रहे हैं कि y का अर्थमेटिक मीन फाइंड करें, सही, कैलकुलेट करें। तो किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, तो इसकी ना हमारे पास प्रॉपर्टी होती है कि अगर हमें कोई भी सेट, डाटा सेट दिया हुआ है, सही ना, जैसे हमें यहाँ पर दिया हुआ है ये x हमें डाटा सेट दिया हुआ है, ओके, और फिर हमसे कहा जा रहा है कि वैल्यू फाइंड कीजिए y की, जो कि इक्वल किसके है, 3x के। x क्या है, जो हमें यहाँ डाटा सेट दिया गया है। तो एक्चुअली हमें क्या करना होगा, इस x का मालूम कर लेंगे हम अर्थमेटिक मीन, और उस अर्थमेटिक मीन को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास y का अर्थमेटिक मीन आ जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ पर y डाटा सेट नहीं दिया, हमें क्या दिया हुआ है, x दिया हुआ है। x मालूम है, इसका हम इजीली अर्थमेटिक मीन फाइंड कर सकते हैं, ठीक, जो कि हमने देखा पीछे फर्स्ट पार्ट में भी हमने फाइंड, सेकंड पार्ट में हमने, बी पार्ट में हमने फाइंड करा था, हमारे पास अर्थमेटिक मीन आया था इज इक्वल टू माइनस टू, ठीक है। उसी को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, हमें यहाँ पर क्या करेंगे कि y का अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है, तो लिहाजा ये किसके इक्वल होगा, y का अर्थमेटिक मीन के इस 3 को मल्टीप्लाई हम किससे कर देंगे, अर्थमेटिक मीन ऑफ x से, सही, y इक्वल है सिर्फ 3x के, कोई वो हमें यहाँ पर नहीं लगा हुआ, बार नहीं लगा हुआ, जब हम यहाँ पर बार लगाएंगे तो इधर भी बार आ जाएगा दोनों तरफ, जो कि क्या शो करेगा अर्थमेटिक मीन को, कि अर्थमेटिक मीन ऑफ y किसके इक्वल आ रहा है, 3 मल्टीप्लाई अर्थमेटिक मीन ऑफ x, ठीक है। तो अब यहाँ से हम फाइंड इजीली इसको कर सकते हैं, हमसे ये इसकी वैल्यू मालूम करने के लिए कही गई है, तो हम इस तरह से मालूम कर सकते हैं। तो लिखेंगे हम 3 मल्टीप्लाई, अब यहाँ पर ये हमने फाइंड करा हुआ है, ये क्या आता है, इक्वल आता है माइनस टू के, ऐसा हम यहाँ पर माइनस टू लिख देंगे। इसको फाइंड करने का पूरा वही मेथड है जैसे हमने पीछे हमने करा था, वही हम फॉर्मूला लगाएंगे, मैं यहाँ पर करके बता देती हूँ ताकि आप लोग, अगर सब एग्जाम में सिर्फ ये पूछ लिया जाए तो आपको पता होगा हमें क्या करना है। तो फॉर्मूला हमारा वही लगेगा, समेशन ऑफ एक्स अपॉन एन, वही हम यहाँ पर वैल्यूज रख देंगे, माइनस टू माइनस टू माइनस टू माइनस टू अपॉन फोर। वैसे भी हम जानते हैं कि किसी भी कॉन्स्टेंट ऑब्जर्वेशंस का, सही है ना, तमाम हमारे क्या हैं, एक ही हैं, एक ही वैल्यू है, वही रिपीटेड है, तो इसका जो अर्थमेटिक मीन होगा वो यही नंबर होता है, वही होता है इट्सेल्फ, यानी वही इसका अर्थमेटिक मीन होता है। अगर हम ये ना भी करें, स्टेप्स ना भी शो करें, तो ये आपके एमसीक्यूज तक में बात पूछी जा सकती है,
हमें यहाँ पर कांस्टेंट ऑब्जर्वेशंस दे दी गई हैं, कांस्टेंट यानी सब सेम सेम सेम। तो फिर उस सूरत में या इनका जो अर्थमेटिक मीन आता है वो ही आता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर इसकी वैल्यू रख दी, तो ये हमारा किसके इक्वल आ गया, -6। और यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि कंप्यूट अर्थमेटिक मीन ऑफ y। तो इस तरह से ये हमने अर्थमेटिक मीन ऑफ y फाइंड कर लिया। अच्छा, तो अब हमने यहाँ पर डी पार्ट में कह रहे हैं कंप्यूट अर्थमेटिक मीन ऑफ z इज इक्वल टू 3w माइनस 11। अरे हमें जो हमें डाटा सेट लेना है उसके लेना है, वो w का लेना है, सही। इससे पहले वाले पार्ट में क्या था, हमें x दिया गया था जब हमारा डाटा सेट क्या था, कांस्टेंट था। तो उसमें मैंने सीखा कि किस तरह से फाइंड करते हैं, किस तरह से वैल्यू निकाली जाती है। अब यहाँ पर जबकि डाटा सेट में तमाम वैल्यूज़ क्या हैं, डिफरेंट 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 हैं, तो अब इसमें सीखेंगे कि इस सूरत में किस तरह से अर्थमेटिक मीन को कंप्यूट करा जाता है, मालूम करा जाता है, कैलकुलेट किया जाता है। तब इसके लिए देखें, हमने फॉर्मूला हमारा वही रहेगा जैसे हमने इसके पार्ट वन में करा था, कि लिख देंगे हम अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स अपॉन एन, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमें डाटा सेट जो मिला है वो हमें मिला है अनग्रुप, वही अनग्रुप का ही फॉर्मूला लगेगा। तो अब इसके बाद यहाँ पर तमाम वैल्यूज़ को हम लिख लेंगे, जिस तरह से हमने इसके ए पार्ट में किया था, पूरे सारे वो ही स्टेप्स रिपीट होंगे। तो फिर जैसा कि हम जानते हैं, फर्स्ट आप यह रिवर्स करके वीडियो को देख सकते हैं कि हमारे पास इसकी वैल्यू प्लस को कैलकुलेट करने पर आ रहा था कि w बार इज इक्वल टू 156.375, ये वैल्यू आई थी हमारे पास, ठीक है। तो अब उन्होंने यहाँ पर कह रहे हैं कि कंप्यूट अर्थमेटिक मीन ऑफ z, अब इसका हमने फाइंड करना है अर्थमेटिक मीन, जबकि हमें ये z का कोई यहाँ पर डाटा सेट नहीं दिया गया, लेकिन बता दिया है कि इक्वल किसके है, ये इक्वल है 3 × w − 11 की, और w का हमारे पास यहाँ पर मौजूद है डाटा सेट। यहाँ से हम यहाँ इसका मालूम कर लेंगे अर्थमेटिक मीन, और फिर हम इजीली फाइंड कर सकते हैं अर्थमेटिक मीन ऑफ z इज इक्वल टू 3 × w − 11, सही है। हमने सभी अर्थमेटिक मीन की साइन बनाई, देखिए अर्थमेटिक मीन, अब ये क्या हो जाएगा, 3 × 156.375 − 11 इज इक्वल टू, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करने पर क्या आ रहा है, 3 × 156.375, −11 = तो ये साथ से हमने इसको कंप्यूट कर लिया कि 458.125। तो इस तरह से हम ये अर्थमेटिक मीन ऑफ z हमने कैलकुलेट कर लिया। सो दिस इज द आंसर, ठीक है स्टूडेंट्स। याद रखना है इन क्वेश्चंस में हमें जो डाटा सेट एक का हमें बताया हुआ है, तो फिर इसका हम इस तरह से फाइंड कर सकते हैं, इसका फाइंड करना है, या हमें डाटा सेट दिया हुआ है, इसका हमने फाइंड करा अर्थमेटिक मीन, उसी की वैल्यू को यूज़ करते हुए हमने यहाँ पर अर्थमेटिक मीन ऑफ z फाइंड कर लिया। नाउ इन ई पार्ट शो दैट हार्मोनिक मीन is less than geometric mean, is less than arithmetic mean, is less than median, is less than mode for w. अब w के लिए हमें ये जो है प्रूव करना है, तो इसके लिए हम पहले क्या करेंगे, पहले हम फाइंड करेंगे हार्मोनिक मीन, ये भी हमारी जो है वो arithmetic mean की इसके लिए ये एवरेज के लिए प्रॉपर्टी है, सही है। तो लिहाजा पहले हम यहाँ पर फाइंड कर लेते हैं हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू, जैसा कि हम जानते हैं कि अनग्रुप डेटा W जो हमें दिया गया है वो अनग्रुप है, अनग्रुप डाटा सेट है, तो लिहाजा हमारे पास जिसका फॉर्मूला होता है कि n अपॉन समेशन ऑफ 1/x, x इज ऑब्जर्वेशंस, लिहाजा पहले हम यहाँ पर फाइंड कर लेंगे समेशन ऑफ 1/x,
तब ये फाइंड करेंगे, तो इसके लिए हम यहाँ पर तमाम वैल्यूज का ले लेंगे रेसिप्रोकल और इनको हम कर लेंगे प्लस। तो बताएंगे हम 1/148 + 1/145 + 1/157 + 1/157 + 1/160 + 1/165 ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हमें तमाम वैल्यूज का रेसिप्रोकल लिख दिया। अब इनका हम ले लेंगे रेसिप्रोकल, तो लिखेंगे हम 1/148 = ये वैल्यू आ रही है हमारे पास 0.0067567। ठीक है, अब इसको हम क्या कर लेंगे, सो हम मेमोरी में डाल देंगे ताकि हमें फिर का समेशन भी मिलता जाए। ये हमने कर लिया। अब इसके बाद हमारा लिखा हुआ है यहाँ पर 1/145, इसका भी हम ले लेंगे रेसिप्रोकल। ठीक है, डिवाइड कर दिया हमने और उसको भी हम कर देंगे मेमोरी प्लस। तो इसके बाद हम आएंगे 1/160 पर, 1/160 = मेमोरी प्लस। इस तरह से इसको बताएंगे हम 1/157 = मेमोरी प्लस, और फिर 1/156 = दिस, को मेमोरी प्लस कर देंगे। 1/160 = मेमोरी प्लस, 1/160 = मेमोरी प्लस, और फिर लास्ट वैल्यू 1/165 = और इसको भी हमने कर देंगे मेमोरी प्लस। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब इन सब को बताना है रेसिप्रोकल का प्लस क्या होगा, समेशन क्या होगा। तो हम यहाँ पर रिकॉल कर देंगे, रिकॉल करने पर वैल्यू आ रही है कि 0.05124। ठीक है, 0.05124 तब इसके बाद हम हार्मोनिक मीन इसमें रखेंगे वैल्यू, एंड 8 है, 8/0.05124। अब इसको हमने डिवाइड कर देना है, हम यहाँ पर लिखेंगे 8/ नवी रिकॉल कर लेंगे जो कि यह आ रही है, इसको कर देंगे हम डिवाइड। तो ये आ गया हमारे पास हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू 156.117। तो इस तरह से हमने फाइंड कर लिया हार्मोनिक मीन। ठीक, अच्छा, अब इसके बाद हम फाइंड करेंगे ज्योमेट्रिक मीन। अब हमें ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है, तो हमें पता है ज्योमेट्रिक मीन अनग्रुप डाटा के लिए फार्मूला होता है कि एंटी लॉग ऑफ समेशन लॉग ऑफ एक्स अपॉन एन। अच्छा, अब स्टूडेंट्स हम यहाँ पर जो है ना ये लॉग का फार्मूला यूज़ करेंगे। क्यों यूज़ करेंगे, इसलिए हम यूज़ कर रहे हैं ये वाला फार्मूला क्योंकि इधर हमें जो ऑब्जर्वेशन दी गई हैं वो 8 दी गई हैं, और वो ऑब्जर्वेशन हम देख रहे हैं कि 100 समथिंग इस तरह से हमारी ये वैल्यूज़ हैं, बड़ी वैल्यूज़ हैं। तो ये फार्मूला उस वक्त यूज़ किया जाता है जब हमें बड़ी वैल्यूज़ दी जाती हैं अनग्रुप डाटा में, तो हम इस फार्मूले के जरिए फिर उसका ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करते हैं। जो मैंने इससे पहले फार्मूला को बताया था, तो वो फार्मूला सिर्फ छोटी वैल्यूज़ के लिए, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास ये था सिर्फ 4 वैल्यूज़ थी, वो भी सही क्या 2 ही है सिर्फ, तो इस तरह की वैल्यूज होती हैं, तो उसको हम वहाँ पर मल्टीप्लाई वाले फार्मूले से ज्योमेट्रिक मीन फाइंड कर लेते हैं। लेकिन अगर हमारे पास ऑब्जर्वेशंस ज़्यादा हों और वो बड़ी वैल्यूज़ हों, तो फिर उस सूरत में हम यहाँ पर उसको इजीली सॉल्व करने के लिए लॉग का फार्मूला यूज़ करते हैं, उसको हम बायोलॉजिकल मेथड सॉल्व करते हैं। तो अब यहाँ पर हमने यहाँ लिखेंगे कि पहले समेशन ऑफ लॉग ऑफ एक्स ये फाइंड कर लेते हैं, तो लिखेंगे हम समेशन ऑफ log ऑफ x इज इक्वल टू log ऑफ, जो वैल्यूज हमें दी गई हैं 148 प्लस साइन, क्यों, समेशन की वजह से, log ऑफ 145 प्लस
log of 160 plus log of 157 plus log of 156 plus log of 160 plus log of 160 plus log of 165. तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हमने 8 जो ऑब्जर्वेशंस हैं उनको मैं इस तरह से बता दिया। अच्छा, अब हमने इनका लेना है लॉग। अब लॉग लेना है तो मैं यहाँ पर आपको बताऊँगी कि सिंपल कैलकुलेटर से किस तरह से हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। हमें वो मेथड यूज़ करना है जो कि हमें पता हो कि बोर्ड में अलाव है, हम इस कन्फ्यूजन में नहीं रहेंगे कि साइंटिफिक यूज़ करें या ना करें। ठीक, हमें आना चाहिए कि सिंपल कैलकुलेटर से हम किस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। हम साइंटिफिक कैलकुलेटर के ही सिर्फ ना रह जाएं कि अगर वो ना हो तो हम कर ना सकें। तो अब यहाँ पर 148 इसका हमने लॉग निकालना है। तो लॉग निकालने के लिए हम देख रहे हैं कि डेसिमल जो लगा हुआ है वो यहाँ पर लगा, यहाँ पर डेसिमल है। तो पहले हमें कैटेस्टिक चाहिए। कैटेस्टिक के लिए हम डेसिमल को शिफ्ट करेंगे 2 डिजिट्स लेफ्ट। सही है, अब 2 डिजिट्स टूवर्ड्स लेफ्ट लेकर जा रहे हैं तो लिहाजा इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। लिखेंगे हम फिर यहाँ पर 2 पॉइंट। और फिर इसके बाद हम 148 लिखा हुआ है, इसको हम लॉग टेबल में देखने के लिए 14 को देखेंगे 8 में। तो फिर इसको लिखा जाएगा, हम निकालेंगे लॉग टेबल। लॉग टेबल के अंदर हम 14 को देखेंगे, 14 को 8 में, तो 8 पर इसकी वैल्यू है 1703। लिख देंगे हम यहाँ पर 2.1703। ठीक है, इस आंसर में ये इसकी वैल्यू लॉग टेबल से निकाल दी। और बहुत इजी है, कोई मुश्किल नहीं है ये मेथड। प्लस साइन, अब हमें देखना है लॉग ऑफ 145 पर कैरेक्टरिस्टिक, याद रखें पहले हमें कैरेक्टरिस्टिक निकालनी है। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं डेसिमल 5 के बाद है यहाँ पर, लिहाजा 2 डिजिट्स हम लेकर जा रहे हैं टू वर्ड्स लेफ्ट लेफ्ट की तरफ, लिहाजा कैरेक्टरिस्टिक इसकी क्या हो गई, 2 पॉइंट हो गई। हम 14 को देख लेंगे 5 में। अब 14 के 5 पर वैल्यू है 1614 प्लस, अब लॉग ऑफ 160 देखना है, वो कैरेक्टरिस्टिक इसकी 2 रहेगी, 2 पॉइंट। अब 16 को हम देख लेंगे 0 पर, क्या है 2041 प्लस साइन। अब लिखा हुआ है 157, तो 157 अब 157 में हम देखेंगे पहले कैरेक्टरिस्टिक क्या बन रही है, 2। सही है, अब 15 को हम देखेंगे 7 में। अब 15 को 7 में देखेंगे, ये रहा 15 और इसके 7 पर वैल्यू है 1959, लिहाजा हम लिख देंगे यहाँ पर 1959 1959। आपको इजीली समझ आ गया होगा किस तरह से हम इसका लॉग निकालते हैं। इसी तरह से हम बाकी वैल्यूज़ का भी लॉग निकालेंगे। कैरेक्टरिस्टिक सबकी हमारी 2 ही रहेगी क्योंकि हम सब में देख रहे हैं हमारा 3 डिजिट नंबर दिया गया है। तो स्टूडेंट्स, हमने ये इस तरह से लॉग टेबल से ये तमाम वैल्यूज निकाल ली। आप मैच कर सकते हैं कि आपकी वैल्यूज भी यही आ रही हैं। अब इनको हम कर लेंगे सिंपल प्लस। प्लस करेंगे तो देंगे हम 2.1703, इनको हम इस तरह से प्लस करते जाएंगे 2.1614 प्लस। तो स्टूडेंट्स, तमाम वैल्यूज़ को प्लस करने पर आ रहा है कि 17.5505। ठीक है, 17.5505 ये हमारे पास वैल्यू आ रही है समेशन लॉग ऑफ एक्स की। अब हम ये रख देंगे फॉर्मूले में। फॉर्मूले में रखेंगे तो हम लिखेंगे कि ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ, अब ये हमने फाइंड कर लिए वैल्यू, रख देंगे हम 17.5505। इसको हम डिवाइड कर देंगे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो 8 हैं, लिहाजा 8 से हमें इसको डिवाइड करना है, डिवाइडेड बाय 8
इज इक्वल टू, तो ये आ रहा है इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 2.1938. हम सिर्फ डेसिमल के बाद फोर डिजिट लेंगे क्योंकि हमारा लॉग टेबल जो है वो डेसिमल के बाद फोर डिजिट को सॉल्व करता है। और फिर अब हमें इसको इसका ले लेना है एंटी लॉग। एंटी लॉग लेंगे तो हम एंटी लॉग का पेज निकालेंगे लॉग टेबल में, और फिर अब इसमें हमने टू को नहीं देखना, टू हमारा शो करे कैरेक्टरिस्टिक को जिसका मेंटीसा है यानी डेसिमल पार्ट है, सिर्फ इसको हम देखेंगे। तो देखेंगे हम 19 को, 19 को देखेंगे थ्री में, यहाँ पर लिखा हुआ है 19 के थ्री पर वैल्यू आ रही है 1560। और फिर हम जाएंगे एट पर वैल्यू है थ्री, ठीक है, एट पर वैल्यू है थ्री। तो जब हम यहाँ पर थ्री पर वैल्यू है ये 1560 लिख लेते हैं हम यहाँ पर 1560 और एट पर वैल्यू आ रही है थ्री, इसको थ्री इसमें प्लस कर देंगे तो क्या बन जाएगा 1563, ठीक है 150 आ गया 1563 बन गया। ये हमने एंटी लॉग निकाला है, यहाँ पर बता देते हैं ये हम ज्योमेट्रिक मीन फाइंड कर रहे हैं और एंटी लॉग इसका आ गया 1563। अब डेसिमल लगाना है, यहाँ कैरेक्टरिस्टिक हमारी टू है, पॉजिटिव है, अगर इसमें प्लस वन कर देंगे डेसिमल कहाँ जाएगा आफ्टर थ्री डिजिट्स, लेफ्ट हैंड से आफ्टर थ्री डिजिट्स हमने क्या लगा दिया डेसिमल लगा दिया, ठीक है। तो ये हमने इस तरह से क्या फाइंड कर लिया है ज्योमेट्रिक मीन, जिसकी वैल्यू आ रही है 156.3। दिस इज द ज्योमेट्रिक मीन। अब इस बात हम फाइंड करेंगे अर्थमेटिक मीन। अब अर्थमेटिक मीन इसका फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ एक्स अपॉन एन। अब यहाँ पर वैल्यूज जो हमें दी गई हैं उन सबको हम प्लस कर लेंगे तमाम वैल्यूज को, हमने फर्स्ट पार्ट में हमने जिसका ए पार्ट था उसमें हमने करा है ये, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर तमाम वैल्यूज को प्लस करने पर आ रहा था 1251, सही, तमाम सिंपल, हमें तमाम वैल्यूज को प्लस साइन के साथ लिख देना है। और फिर हम यहाँ पर उनको जब प्लस करेंगे, चाहे मैं लिखकर बता देती हूँ कि 148 प्लस 145 प्लस 160 प्लस 157 प्लस 156 प्लस 160 प्लस 160 प्लस 165, ठीक। तो अब 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरी यहाँ पर ये क्या है 8 वैल्यूज हैं, यहाँ इसको कर देंगे हम अपॉन 8। और जब इनको हम प्लस करेंगे, प्लस करने पर आता है 1251। इसको डिवाइड करेंगे 8 से, तो 8 से डिवाइड करने पर अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू 156. या जाएगा 375.375। ओके, तो ये हमने फाइंड कर लिया अर्थमेटिक मीन। अब इसके बाद फिर अब हम मालूम कर लेंगे मीडियन। अब मीडियन फाइंड करना है तो मीडियन के लिए पहले हम क्या करना होगा, डाटा को अरेंज करना होगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पर फॉर मीडियन, या मीडियन के लिए अब काम कर रहे हैं, पहले डाटा को अरेंज करेंगे। तब मीडियन के लिए हमें मालूम है कि मीडियन जो है वो पोजीशन एवरेज होती है, ठीक है, तो लिहाजा हमें डाटा को अरेंज करना ज़रूरी है। तो हम यहाँ पर इसको पहले अरेंज कर लेंगे जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है, ऑब्जर्वेशन है, पहले हम इसको लिखेंगे जो कि क्या है 145 को हम पहले बताएंगे, फिर 148 156
157, 160, अब 160 आ रहा है यहाँ पर थ्री टाइम्स हम 160 को बता देंगे, फिर 165, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो हमने यहाँ पर सांस से ये 8 वैल्यूज जो हैं वो हमने अरेंज करके बता दिया। क्योंकि 8 क्या है, इवन है, 8 क्योंकि इवन है लिहाजा हम यहाँ पर मीडियन फाइंड करने के लिए फॉर्मूला हम क्या यूज़ करेंगे कि मीडियन इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई n/2 th प्लस n/2 प्लस 1 th ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को हम यूज़ करेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा कि इज इक्वल टू हमारा n यहाँ पर 8 है लिहाजा हम रख देंगे n की जगह पर 8/2 th प्लस 8/2 प्लस 1 th ऑब्जर्वेशन। जब भी हमें यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इवन होंगी तो इस तरह से फिर उसका मीडियन फाइंड करा जाता है। तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 1s are 2, 2 4s are 8, तो इस तरह से ये आ जाएगा अब 4th प्लस, और इसको हम कैंसिल करेंगे तो 4 plus 1, 5th ऑब्जर्वेशन। अब ये वैल्यूज हम देखते हैं क्या हैं 4th और 5th पोजीशन पर, तो 1, 2, 3, 4 ये है 4th, ठीक है, और ये है 5th। इससे पहले भी हम देख रहे हैं 1, 2, 3 हैं, और इसके बाद भी हम देख रहे हैं 1, 2, 3 हैं, तो इस तरह से ये मिडिल वैल्यूस आ गई। मीडियन जो है वो मिडिल वैल्यू को ही हम कहते हैं, तो लिहाजा लिखेंगे 1/2 मल्टीप्लाई 157 प्लस 160, दोनों को प्लस कर लेंगे, 157 प्लस 160 इज इक्वल टू 317, और उसको डिवाइड कर देंगे हम 2 से, तो ये आता है 158, तो लिख देंगे हम यहाँ पर 158.5, सही। तो ये हमने निकाल लिया मीडियन। This is the value of median. तो median is equal to 158.5. अब इस बार बात आती है मोड की। अब मैं मोड फाइंड करना है, मोड बहुत ईजी है, मैं जैसे हर क्वेश्चन में कहती आई हूँ कि सबसे ज़्यादा आसान मोड फाइंड करना ही होता है। अब मोड को हम किस तरह से फाइंड करेंगे कि वो वैल्यू जो मैक्सिमम टाइम्स रिपीट हो रही है, जो कि हम देख रहे हैं क्या है, 160 है, लिहाजा मोड क्या बना, 160। अच्छा, अब हमने हम तमाम जो क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट्स थी वो तो हमने फाइंड कर ली हैं, अब उनको हम कंपेयर कर लेते हैं जैसे हमारे क्वेश्चन में कहा जा रहा है। अब हमारे क्वेश्चन में हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, अर्थमेटिक मीन, मीडियन और मोड, इन तमाम वैल्यूज़ को कंपेयर कर रहे हैं एक्चुअली, तो इनको कंपेयर कर रहे हैं, तो हमारे पास वैल्यूज़ क्या आ रही हैं, मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ। हमारे क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट है, हमारे क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमें क्या प्रूव करना है, क्या शो करना है कि हार्मोनिक मीन इज लेस देन ज्योमेट्रिक मीन, इज लेस देन अर्थमेटिक मीन, इज लेस देन मीडियन, इज लेस देन मोड। ठीक है, अच्छा यहाँ पर ये साइन हमारी जो है वो साइन किस चीज़ की है, लेस देन की शो हो रही है ये साइन, इस साइन का मतलब उसको हम पढ़ते हैं लेस देन। तो हार्मोनिक मीन ये हमने फाइंड करा हुआ है, यहाँ पर हमने फाइंड करा, इसकी वैल्यू क्या आई है, 156.117, चलें लिख देते हैं हम यहाँ पर 156.117,
117, ओके, लेस देन ज्योमेट्रिक मीन, ये भी हमने फाइंड कर लिया है. ज्योमेट्रिक मीन इसकी वैल्यू हमने निकाली है 156.3, सही है, 156.3 यानी 156.30, 156.3 कोई वैल्यू नहीं है, नहीं जीरो कह सकते हैं. इज लेस देन अर्थमेटिक मीन, ये हमने फाइंड करा है, ये आया है 156.375, इज लेस देन मीडियन, मीडियन ये भी हमने फाइंड कर लिया है जो कि आ रहा है 158.5, लिख देंगे हम यहां पर 158.5 इज लेस देन और मोड 160 है. तो जैसा कि स्टेटमेंट में लिखा हुआ है एग्जैक्टली हम देख रहे हैं कि ऐसा ही है, वैल्यूज उसी के ही अकॉर्डिंग आ रही हैं. 156.117 क्या है, स्मॉलर है, 156.30 ये इससे ग्रेटर है, ये वैल्यू ग्रेटर है. फिर इस तरह से इससे ग्रेटर वैल्यू ये है, ये लिखा है 0.375 आ गया, तो यहाँ पर क्या है 0.30 है, तो ये क्या है स्मॉलर है, ये है ग्रेटर. इससे भी ग्रेटर वैल्यू क्या है 158.5, और इससे भी ग्रेटर क्या है 160. तो इस तरह से जो हमसे क्वेश्चन में कहा गया है उसको हमने प्रूव कर दिया. ओके, तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन नंबर 1 की जो हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं वो हमने सारी इस तरह से यहाँ पर वेरीफाई कर ली हैं. नाउ इस क्वेश्चन नंबर 2, अब 2 में कह रहे हैं कि चेक इफ एक्स एंड वाई हमें दे दिए गए हैं डेटा सेट्स, और फिर कह रहे हैं कि आर सिमेट्रिक. अब यहाँ पर बात हो रही है सिमेट्रिक की. अब कोई भी टू, अब पहले हम बात करेंगे एक डेटा सेट की, सिर्फ हम एक्स की बात करेंगे कि एक्स जो है वो सिमेट्रिक कब होगा, कि जब के लिखेंगे हम पहले डिस्कस कर लेते हैं कि सिमेट्री के लिए क्या कंडीशन है कि कब ये सिमेट्रिक होगा. सिमेट्रिक यानी एक जैसा. तो सिमेट्रिक उस वक्त होता है जब के अर्थमेटिक मीन इक्वल आए किसके, मीडियन के. जब ये दोनों इक्वल आए तब उस वक्त क्या होता है, सिमेट्रिक होता है. और सिमेट्रिक का ऑपोजिट क्या होता है, वो होता है एसिमेट्रिक. अब एसिमेट्रिक ये कब होगा, एसिमेट्रिक उस वक्त होता है जब के अर्थमेटिक मीन नॉट इक्वल टू मीडियन हो. तो उस वक्त हम क्या कहते हैं कि इसमें डाटा सेट जो है वो एसिमेट्रिक है. एसिमेट्रिक का मतलब होता है डिफरेंट, इसका मतलब होता है सेम, इसका मतलब होता है डिफरेंट. डिफरेंट यानी दोनों की वैल्यूज क्या आ रही हों, डिफरेंट आ रही हों, नॉट इक्वल हों, तो वो क्या कहलाएगा, एसिमेट्रिक. और जब दोनों वैल्यूज इक्वल आ रही हों तो उसे हम कहते हैं सिमेट्रिक. तो अब यहाँ पर हम एक्स के लिए, एक्स डाटा सेट के लिए पहले हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे. तो पहले हम फाइंड करेंगे अर्थमेटिक मीन. अर्थमेटिक मीन का जैसा कि हम जानते हैं कि फॉर्मूला लिख देंगे समेशन ऑफ एक्स अपॉन एन, तमाम वैल्यूज को प्लस कर लेंगे, 7+9+3+3+3+4+1+3+2+2 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 है, 10 से डिवाइड कर देंगे और तमाम वैल्यूज को कर लेंगे अब प्लस. तो प्लस करने पर, तो इनको प्लस करने पर आ रहा है 37 अपॉन 10 डिवाइड कर देंगे तो अर्थमेटिक मीन आ जाएगा 3.7. ये अर्थमेटिक मीन की वैल्यू आ गई. अब हमें फाइंड करना होगा इसके बाद मीडियन. मीडियन फाइंड करने के लिए जैसे कि हमने पहले क्वेश्चंस में भी डिस्कस करा कि डाटा को पहले हमने क्या करना होता है, अरेंज. देखेंगे हम फॉर मीडियन डाटा को अरेंज करेंगे पहले. तो हम यहाँ पर लिखेंगे अरेंज करके बताएंगे डाटा.
फर्स्ट इज वन, पहले हम लिखेंगे यहाँ पर वन, फिर वन के बाद यहाँ पर हम देख रहे हैं टू टाइम्स टू आ रहा है, टू टू, और थ्री आ रहा है फोर टाइम्स, थ्री 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 हमने लिख दिया फोर टाइम्स, फिर इसके बाद वन टाइम फोर और वन टाइम सेवन, वन टाइम नाइन, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, मैंने तमाम वैल्यूज़ को अरेंज करके लिख दिया। अच्छा, अब इसका मीडियन निकालना है क्योंकि हम देख रहे हैं कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है वो टेन है, टेन क्या है वो इवन है, टेन इवन है, तो यानी कि मीडियन फाइंड करने के लिए हम जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो हम लिखेंगे कि मीडियन इज इक्वल टू वन अपॉन टू मल्टीप्लाई एन अपॉन टू टी एच प्लस एन अपॉन टू प्लस वन टी एच ऑब्जर्वेशन। तो अब इसके अंदर हम डालेंगे एन, क्योंकि टेन है, लिख देंगे हम यहाँ पर वन अपॉन टू मल्टीप्लाई टेन अपॉन टू टी एच प्लस टेन अपॉन टू प्लस वन टी एच ऑब्जर्वेशन। इट मीन्स ये वन अपॉन टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैंसिल होने पर आ जाएगा फिफ्थ प्लस, और यहाँ पर फाइव प्लस वन सिक्स, यानी सिक्स ऑब्जर्वेशन। हम देख लेते हैं यहाँ पर फिफ्थ और सिक्स प्लेस पर क्या है, वन टू थ्री फोर फाइव, ये फिफ्थ प्लेस पर लिखा हुआ है, यहाँ पर थ्री, यहाँ पर सिक्स प्लेस पर भी लिखा हुआ है थ्री, इससे पहले वन टू थ्री फोर, इसके बाद भी वन टू थ्री फोर, तो यहाँ से ये क्या आ गई हमारे पास, मिडिल वैल्यूज आ गई हैं, मीडियन कहते ही मिडिल वैल्यूज़ को हैं। लिहाजा हम लिखेंगे यहाँ पर वन अपॉन टू मल्टीप्लाई थ्री प्लस थ्री, थ्री प्लस थ्री सिक्स, वन अपॉन टू मल्टीप्लाई सिक्स, कैंसलेशन कर देंगे, टू वन ज़ार टू, टू थ्री ज़ार सिक्स, यानी कि मीडियन की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है थ्री, मीडियन थ्री आया, जबकि हम देख रहे हैं कि अर्थमेटिक मीन जो है उसकी वैल्यू आ रही है थ्री, 3.7, अर्थमेटिक मीन की 3.7 है और मीडियन की जो है वो 3 है, यानी कि इससे हमें क्या पता चला कि अर्थमेटिक मीन इज़ नॉट इक्वल टू, इक्वल तो नहीं है दोनों दोनों वैल्यूज़, 3 और 3.7 में फ़र्क है, ठीक है, दीज आर नॉट इक्वल, नॉट इक्वल हैं, तो यानी ये क्या हो गया, हमारे ये इसको हम कहेंगे एसिमेट्रिक। तो ये हमने यहाँ पर डेटा सेट x का लिया है, लिहाजा लिखेंगे x इज एसिमेट्रिक, दिस इज द आंसर। ये x ये है वो सिमेट्रिक नहीं है बल्कि एसिमेट्रिक है। अब इस तरह से हम y के लिए सॉल्व करेंगे, तो जब हम y के लिए सॉल्व करेंगे तो इसके लिए भी पहले हम बता देंगे कि अर्थमेटिक मीन इसका फॉर्मूला लिख देंगे, समेशन ऑफ x अपॉन n, फिर तमाम वैल्यूज़ को लिख देंगे यहाँ पर, हमें ऑब्जर्वेशंस में दी गई हैं 2 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4, 3 टाइम्स 4 है, प्लस 6 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 1, और ये टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 है, अपॉन 10 कर देंगे, तमाम वैल्यूज़ को हम पहले प्लस कर लेंगे, तो प्लस करने पर आ रहा है 40 अपॉन 10, कैंसलेशन कर देंगे तो ये हो जाएगा कि अर्थमेटिक मीन इज़ इक्वल टू 4, हमारे पास अर्थमेटिक मीन की वैल्यू आ गई। अब इसके बाद हम फाइंड कर लेंगे मीडियन, मीडियन फाइंड करने के लिए जैसा कि हम जानते हैं कि पहले डाटा को हमें अरेंज करना होता है, लिखेंगे हम फॉर मीडियन अब वन टू टाइम्स है, लिख देंगे हम वन टाइम्स टू टाइम्स वन लिख देंगे, और टू से वन टाइम है, फोर थ्री टाइम्स फोर हो गया,
सिक्स टू टाइम्स, पहले फाइव आएगा, फाइव सिक्स टू टाइम्स एंड देन इज सेवन, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, डेट अरेंज हो गया। टेन जो है वो इवन है, यानी हमें वही जिस तरह से हमने इससे पहले वाले डेटा सेट के लिए करा था, फॉर्मूला हम वही यूज़ करेंगे क्योंकि टेन इज इवन। तो आ जाएगा इधर कि मीडियन इज इक्वल टू वन अपॉन टू मल्टीप्लाई, फॉर्मूला लिख देंगे पहले हम पूरा, ऑब्जर्वेशन और फिर इसमें हम रखेंगे वैल्यूज। तो ये वही टेन अपॉन टू फिफ्थ और ये टेन अपॉन टू प्लस वन सिक्स, यानी आ जाएगा यहाँ पर फिफ्थ प्लस सिक्स ऑब्जर्वेशन, ठीक है। एन हमारा कितना है, टेन है, टेन उससे डिवाइड करेंगे तो टू आ जाएगा, डिवाइड करके प्लस करेंगे तो क्या जाएगा, सिक्स आ जाएगा। अब हम देख लेते हैं यहाँ पर फिफ्थ और सिक्स प्लेस पर क्या वैल्यूज हैं। तो वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव पर फोर है और सिक्स पर भी फोर है, यानी क्या आ रहा है, वन अपॉन टू मल्टीप्लाई फोर प्लस फोर, फोर प्लस फोर इट मीन्स एट, एट को टू से डिवाइड कर देंगे तो फिर मीडियन हो जाएगा इक्वल टू एट अपॉन टू का मतलब है फोर। तो मीडियन और अर्थमेटिक मीन, अब वाई के लिए, वाई के लिए दोनों की वैल्यूज़ क्या रही हैं, इक्वल आ रही हैं। अब दोनों की वैल्यूज़ क्योंकि इक्वल आ रही हैं लिहाजा हम इसको बताएंगे इस तरह से कि अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू मीडियन, ठीक है, ये भी फोर है और ये भी फोर है, यहाँ से लिखेंगे हम y इज सिमेट्रिक, y सिमेट्रिक, दिस इज द आंसर। जहाँ से हम इसका आंसर फाइंड कर लिया जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन नंबर टू को सॉल्व कर लिया। अगर किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी स्टेप में कन्फ्यूजन हो स्टूडेंट्स तो ज़रूर कमेंट में पूछिएगा। अब नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।